नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वागत न्यूज, आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आए अंधेरी में, संघर्ष नगर में, जहाँ पर रक्तदान शिविर शुरू है। आइए देखते हैं ये रक्तदान शिविर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस रक्तदान के आयोजन में क्या तत्व है, क्या कारण है कि आज यहाँ पर रक्तदान हो रहा है। हम देखते हैं इस रक्तदान में क्या क्या, किस किस तरह से कौन कौन सी जांच की जाएगी। हुआ है, अभी अभी हमने देखा है कि उद्घाटन भी हुआ है, तो आइए देखते हैं उनसे समझते हैं कि क्या किस प्रकार से गतिविधियां हैं, उनसे कुछ सवाल पूछा। सर, हम जानना चाहते हैं कि हर प्रांत, हर संस्था रक्तदान शिविर करती है, पर क्या अलग यहाँ पर रक्तदान शिविर में है, उसके बारे में क्या है? यहाँ पे सभी महात्माओं की भावनाएं, एक आदेश के तहत ये सभी महात्मा ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इनके अंदर सीक्रेट है, मानव मात्र की सेवा की है, क्योंकि ये जो ब्लड है ये केवल मानव ही मानव को दे सकता है। इसलिए बड़े प्यार के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ बात करिएगा, ब्लड डोनेशन करते हैं और इनके अंदर बड़ी खुशी होती है अगर किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि एक एक बूंद ब्लड की जो है इसका जीवन बचा सकती है। ये जो खून है किसी झगड़े के कारण से, किसी लड़ाई के कारण से, किसी और वैर द्वेष के कारण से नालियों में नहीं बहना चाहिए, ये प्यार के साथ हमारी नाड़ियों में, हमारी खून की तंत्रिकाओं में बहना चाहिए, ये गुरु का रास्ता। इसलिए इसी भावना के तहत ये सभी महात्मा बड़ी खुशी के साथ, बड़ी चाव के साथ। हम हमेशा देखते हैं निरंकारी फाउंडेशन चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत ये रक्तदान होती है, पर ये पूरी साल भर होती है, क्या कारण है पूरी साल भर होती है? कोई एक दिन अलग संस्थाएं जो है, कोई एक दिन या किसी पर्टिकुलर दिन करते हैं, आप जो है पूरी साल भर आपका मिशन जो होता है? हमारे यहाँ ब्लड डोनेट करने वाले इतने महात्मा है, इतना चाव है, इतना शौक है, इतनी उमंग है कि वो एक दिन में सारे दे ही नहीं सकते, इसलिए हमने साल भर में थोड़े थोड़े करके सभी ब्लड डोनेट करते हैं। और दूसरा है कि ब्लड डोनेशन का जहाँ हमारा जो बैंक होता है उसमें भी कैपेसिटी की कुछ बात होती है, तो इसलिए हमने समय समय पर सारे साल में अपने व्यवस्था की जाए कि सभी महात्मा दे पाए और वो खून वाकई ही प्रयोग भी सबके काम में आ सके। क्या गिरफ्तारी चैरिटेबल फाउंडेशन के उनके ब्लड बैंक है या इधर के लिए ब्लड दिया जाए? यहाँ हमारा एक अपना ब्लड बैंक है बॉम्बे में, और भी संस्थाएं, और भी हॉस्पिटल भी ब्लड लेके जाते हैं। हम सबको जो जो हमें हमारे साथ सहयोग होता है उनका सबको कहा कि ये मानवता का संदेश है, एकता का संदेश देकर ये सारे लोग दौड़ दौड़ कर आपको रक्तदान करते हैं, तो संसार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? संसार को ये मैसेज है कि हम सभी मानव का ख्याल रखें, मानव को प्रोत्साहन करें, सब मिलजुल के रहें, सहनशीलता के साथ रहें, कोई भी वैर द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जाति पाति का भेदभाव, ना काले गोरे का भेदभाव, ना छोटे बड़े का भेदभाव, क्योंकि परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है और इंसान बनकर ही हमें सब कुछ। आज का जो ब्लड कैंप है इसमें लगभग कितने यूनिट आने की संभावना है? इसमें लगभग 300-400 ब्लड कैंप आए। गेली 12 वर्ष मी या रक्तदान शिबिराच्या चळवळीमध्ये काम करीत आहे। संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन यांच्या वतीने जाहीर होतच नाही, तसेच पैसे असेल त्या बाबतीतल्या लढ्यांना असतील, प्रत्येक संडेला संत निरंकारी मंडळाचे रक्तदान शिबिर चालू असतात। आम्हाला जाहीर हॉस्पिटलला आमचे 1500 ते 3000 बेड आहेत, ज्याच्यातून दिवसाला 50 ते 70 जागा आम्हाला एका दिवसाला रक्ताची गरज असते, ज्याच्यातून आम्ही संत निरंकारी मिशन असेल, ज्या वेगवेगळ्या संस्था असतील, कॉलेज असतील, त्यांच्याकडे आम्ही हे रक्त गोळा करीत असतो, त्या होत असतात, त्याच्यात लाखाच्या हिशोबाने हे रक्त गोळा होत असतात आणि पूर्ण भारतामध्ये असतील, महाराष्ट्रामध्ये रक्त असतील, ज्यात रक्त सर्वाधिक जास्त कोणती संस्था पुरवत असेल तर ती संत निरंकारी मिशन आहे। आणि आमचे सहकारी त्यांचे कोणी सेवादल असतील, कोणालाही रक्त लागत असेल, आम्ही एमएसएफने या मिशनच्या कार्य करताना रक्त देत असतो, तशाच कार्य आम्हाला संतकारी मिशन करणं यामुळे राहून पुढील पूर्ण पाहिजे। ब्लड डोनेशन की आपली क्या खासियत आहे, क्या बताएंगे आजकल जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है इसमें
डायर ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर आए हुए हैं। ये इसी प्रकार से जो ब्लड वेलफेयर कैंप संजय करी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से और मुंबई में और इंडिया में जो है ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और मुंबई में तकरीबन 40 से 45 ब्लड वेलफेयर कैंप पूरे साल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें 15 से 18 हज़ार तक जो ब्लड यूनिट चाहिए हमारी ब्लड बैंक और गवर्नमेंट का जो ब्लड लाइन है दोनों भी आते हैं और ये कलेक्ट करते हैं। ब्लड कैंप ब्लड लाइन की स्थापना जो है ये 2016 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इनके लखनऊ के द्वारा पूरे साल में यहाँ हुई थी, और ब्लड बैंक जो स्थापना हुई है इसका उद्देश्य यही था कि जो जहाँ पर रक्त की कमी होती है तो वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ये नो लॉस बेसिस पे ये ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, और यहाँ पर 24 घंटा हमारी ब्लड बैंक जो है ये चालू रहती है, और सभी को जैसे प्लेटलेट का सीजन है तो प्लेटलेट भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, और बहुत ही कम रेट्स यहाँ पर हम जो है प्राइवेट ब्लड बैंक बहुत ज़्यादा रेट्स ये जाते हैं, लेकिन संजय नगरी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ब्लड बैंक की स्थापना हुई है, तो ये नाथ सभा नाथ होगा इस पर हमारी ब्लड बैंक चला रही है। मुझे बहुत मैंने लिया है हमारी तीन चार एमरजेंसी यहाँ पर है, यहाँ संकृति में कामदे जी है, मिथा कामदे जी, राजेंद्र जी है और लोग महात्मा भाई महेंद्र से महेंद्र से कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पे मैं कल ही गया है, काम धंधा बंद करके काम काज काम धंधा क्या ब्लड डोनेशन जरूरी रहता है हमारा। ब्लड बार दिया है ब्लड? मैं 2 से 3 बार है।